नमस्कार, जय जोहार साथियों, आपका जागो पंच में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, नित्य की भांति आज आपको हम सच्ची रामायण पढ़ाएंगे, रामलला हम आएंगे की सीरीज में। आज आपको हम एक बड़ा बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा कि पीछे आप सभी ने जो 14 भागों में देखा कि किसी में राम के चरित्र के बारे में लिखा गया है वाल्मीकि रामायण में उल्टा सीधा, सीता के चरित्र के बारे में उल्टा सीधा लिखा गया है, इस तरह बहुत सारे हमारे साथियों के सवाल हैं। तो जो सवाल हैं उसमें उन सवालों का जवाब भी इस सच्ची रामायण में आपको मिलने वाला है। तो साथियों, पेरियार जी के समय में भी बहुत सारे ऐसे सवाल हुए थे, उन पे तरह तरह के आरोप और लोगों ने लांछन तक लगाया था, और वो लांछन लगाया था जिसका कोई वास्ता नहीं था इस पुस्तक से, जबकि वह वाल्मीकि रामायण की वो भूल थी जो वाल्मीकि ने की थी, और पेरियार जैसे बहुत सारे लेखकों ने मिलके वो गलतियां पकड़ी हैं। अकेले पेरियार ने ही नहीं पकड़ी हैं, अगर हम कामिल बुल्के की राम कथा को भी उठाते हैं तो उसमें भी देखने को मिलता है कि बड़ा ही उल्टा सीधा राम और सीता के चरित्र में जो दिखाई देता है वह मिलता है। तो साथियों, इसके बारे में जो स्पष्टीकरण इस सच्ची रामायण की चाबी में दिया गया है, तो वो स्पष्टीकरण मैं आज आपके सामने लेके आया हूं, परिशिष्ट स्पष्टीकरण। तो इसमें क्या कहा है, विभिन्न पाठकों ने स्पष्टीकरण मांगे, उनमें से कुछ स्पष्टीकरण संक्षिप्त में लिखे जाते हैं, यानी जो स्पष्टीकरण मांगा है वो लिखा भी गया है, ऐसा नहीं है। आइटम नंबर 5, सीता की जन्म कथा। जैसे आपने पीछे सच्ची रामायण की चाबी में पीछे हमारा वीडियो देखा था, तो उसमें सीता के जन्म के बारे में बताया गया था कि उनके जन्म के जो कारण थे वो कई थे, उसमें 5 जन्म के उनके नाम भी अलग अलग बताए गए हैं, उनके नाम नाम और पैदाइश मतलब जन्म के तरीके दोनों ही अलग है, तो उसका स्पष्टीकरण यहां पे भी आपको मिलेगा। तो पहला जो इसमें है, जो इनका जन्म था, जनकात्मजा सीता, इसमें पौमचर्य पर्व 26 के अनुसार जनक की विदेहा पत्नी के गर्भ से सीता और भामंडल बहिन व भाई जुड़वा पैदा हुए। भामंडल को पैदा होते ही एक देवता ने उठाकर किसी अन्य राजा के यहां छोड़ दिया। रामकथा अनुच्छेद 407। तो ये रामकथा अनुच्छेद जो है यह कामिल बुल्के का शोध ग्रंथ है, शोध की पुस्तक है, तो इसके बारे में प्रश्न चिन्ह लगाना मुश्किल है, क्योंकि हम प्रश्न लगाने के लिए दौड़ तो पड़ते हैं, लेकिन जब हम खोज करते हैं तो निश्चित तौर पर हम पाते हैं कि हमारे समाज में लिखी हुई ये पुस्तकें कहीं ना कहीं सत्य हैं, तभी ये हमारे समाज में उपस्थित हैं। तो आइए चलते हैं। अब भूमिजा सीता, ये भूमिजा सीता कौन थी? एक सीता तो आपने देख लिया, और दूसरी सीता कौन है? वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 66 के अनुसार राजा जनक यज्ञ के लिए भूमि तैयार करने हेतु हल चला रहे थे, उन्हें भूमि में सीता मिली। वाल्मीकि रामायण के गौड़ीय 3-4 व पश्चिमोत्तरीय 3-2 पाठों के अनुसार हल जोतते समय जनक ने आकाश में सुंदर मेनका नामक अप्सरा को देखा और मन में संतानार्थ उसके साथ संभोग करने की इच्छा उत्पन्न हुई। आकाशवाणी हुई कि मेनका के समान अति सुंदर एक पुत्री होगी। आगे बढ़कर तुरंत भूमि से सीता निकल पड़ी। पुनः आकाशवाणी हुई, शमनकायः समुत्पन्न कन्ययम् मानसी तव, अर्थात मेनका से उत्पन्न यह कन्या तुम्हारी मानस पुत्री है। यह कहाँ लिखा गया है? राम कथा अनुच्छेद 409 में। तो ये जो राम कथा अनुच्छेद है, इसमें बड़े सारे शोधों के बारे में लिखा गया है, जो राम के जीवन चरित्र या उनकी जीवन शैली या उनके जीवन पर जो भी बातें लिखी गई हैं वो इसका एक बड़ा शोध परक अध्ययन है। ये राम कथा के कुछ लेख भी मैं आपके सामने जल्द ही लाऊंगा, पहले ये सच्ची रामायण की चाबी खत्म कर लूँ। तो साथियों, कृतिवास रामायण के अनुसार जनक किसी समय अति सुंदरी उर्वशी को देखकर काम पीड़ित हो गए, उनका वीर्य भूमि पर गिर पड़ा, पृथ्वी गर्भवती हो गई। बहुत समय बाद हल जोतते समय उन्हें पृथ्वी में से एक डिंभ मिला, उसमें से सीता निकली। तो साथियों, आपने देखा है समय समय पर पृथ्वी को इन्होंने पता नहीं क्या समझ लिया है, जिसका दिल आता है वही गर्भवती कर जाता है। यहां राजा दशरथ का भी वीर्य धरती पर गिर पड़ा, पीछे
शिव जी का वीर्य धरती पर गिर पड़ा, पृथ्वी गर्भवती पड़ेगी। तो इसी तरह जिसका भी वीर्य पृथ्वी पर गिरता, ये धान गेहूं या घास के बीज हो गए हैं कि उनको पानी मिला वो अंकुरित हो गए। तो ये साथियों सबसे ज्यादा अंधविश्वास और पाखंड हमारे समाज में इन्हीं पुस्तकों ने डाला है कि जो आज अगर इसकी प्रमाणिकता की बात आए तो ये प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, लेकिन लिखने में इनको कोई गुरेज नहीं है और इन्होंने लिख डाला, चाहे वह लोगों की समझ से परे हो या लोग उसे अलौकिक समझ के अपना ले। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहां सबसे पहले पौराणिक कथा समझ के इसे झट से अपना लेते हैं, यानी चाहे कितना बड़ा झूठ हो पौराणिक हो। तो ये इन्हीं पौराणिक ग्रंथों में वीर जो है वह धरती में गिरा, वो एक्सेप्ट हो गया, वो स्वीकार हो गया। ऐसे पृथ्वी इंतजार ही कर रही थी कि ये वीर फेंके, होम कैच करें और इसको फिर बच्चा बना दे। आगे चलते हैं। नोट, यह प्रसंग पूर्णचंद्र दे, पूर्णचंद्रशील, ताराचंद दास, वंशवासी प्रेम व सुबोध चंद्र मजूमदार आदि के संस्करण में मिलता है, रामकथा अनुच्छेद 409। यानी ये राम के ऊपर कथाएं लिखने में तुलसी वाल्मीकि ही नहीं माहिर थे, बहुत सारे ऐसे लेखक थे जो महारत हासिल किए थे ऐसी पौराणिक कथाओं को लिखने में। और जब ऐसी पौराणिक कथाओं को लिखने में वो जब माहिर थे तो निश्चित तौर पर समाज में स्वीकारोक्ति तो होगी। तो इसे हमारे भक्त गणों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि तुलसी और वाल्मीकि कोई विशेष पद्धति से नहीं पैदा हुए थे, उसी पद्धति से ये भी पैदा हुए थे जो हमारे दूसरे लेखक हैं। तो सम्मान सभी का करना चाहिए और उनकी बातों को स्वीकार करना चाहिए। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं, रावणात्मजा सीता, ऐसा ऐसा नाम भी रख लेंगे कि लोग पढ़ने में भी आसान ना हो। तो वसुदेव हिंड के अनुसार मंदोदरी के शरीर का लक्षण जानने वाले विद्वानों ने कहा, इसकी पहली संतान से कुल नाश हो जाएगा। रावण जो कि इस घटना को जानता था, मंदोदरी के पिता विद्याधर वंशीय राजा मय से मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह के पश्चात उत्पन्न प्रथम पुत्री को रावण ने रत्नों के साथ मंजुषा में बंद करके मंत्री को आदेश दिया कि इसे कहीं छोड़ दे। मंत्री ने इसे जनक के खेत में रख दिया, जो कि हल जोतते समय मिली। गुणभद्र के उत्तर पुराण के अनुसार, मारीच के अनुसार जनक के राज्य में उस मंजुषा को गाड़ दिया था। यानी पुराण अध्याय 42-62 के अनुसार मंदोदरी की पुत्री सीता अति सुंदर थी, जो बाद में जमीन से निकली। अब देखिए यहाँ पर क्या श्लोक भी दे रखे हैं, क्या दे हैं, सीता मंदोदरी गर्भ संभूता चारु रूपणी क्षेत्रजा तनयाप्स रावणस्य रघुत्तम, ये रामकथा अनुच्छेद 412। अब आता है चौथा, इनका जो जन्म हुआ था चौथा किस तरीके से हुआ था, चौथा हुआ था पद्माजा सीता। अब इसमें क्षेमेंद्र कृत दशावतार चरित्र के अनुसार एक जंगल के तालाब के किनारे सीता ने लिंग स्थापित किया, एक रावण ने लिंग स्थापित किया कहाँ पे, एक जंगल के तालाब के किनारे। अब वहाँ पर शिव के पूजन हेतु तालाब में कमल के फूल लेने गया तो उसे सोने के कमल पर एक कन्या दिखाई दी, उसे रावण ने पुत्री के रूप में ग्रहण कर मंदोदरी को दे दिया। कुछ दिन बाद नारद ने मंदोदरी से कहा, यह लड़की रावण का प्रेम पात्री बनेगी, कन्या भविष्यति अभिलाष भूमि चपलेन्द्रस्य। यह सुनकर मंदोदरी ने उस कन्या को सोने की पेटी में बंद करवाकर दूर देश में गड़वा दिया, जो जनक को हल जोतते समय मिली, रामकथा अनुच्छेद 418। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 17 के अनुसार बृहस्पति के पुत्र ब्रह्मर्ष कुशध्वज की कन्या विष्णु को पति बनाने के लिए जंगल में तप कर रही थी, उसका अति सुंदर रूप देखकर उससे संभोग करने के लिए रावण पुष्पक विमान से नीचे उतरा। इनकार करने पर रावण ने वेदवती के सिर के बालों को पकड़ा, तपस्विनी वेदवर्ती के हाथ ने तलवार की तरह बालों को काट दिया और
अग्नि में जलकर मर गई, जलते समय रावण को श्राप दे गई, मैं अगले जन्म तेरी मौत का कारण बनकर विष्णु सहित आऊंगी। साथियों, ये बड़ी ही विलक्षण कहानियां हैं। और अब बहुत सारी स्त्रियों के बाल पकड़े जाते हैं और ना कोई विष्णु उस नारी के साथ अवतार लेते हैं, ना किसी नारी को न्याय देते हैं। ये बड़ी ही विलक्षण घटनाएं हैं हमारे समाज में जो लगातार होती चली जा रही हैं। लेकिन अब क्या करें, जब पौराणिक कथाएं हमको गिफ्ट के रूप में मिली हैं तो हमें स्वीकार तो करना होगा, क्योंकि हम इतने बेवकूफ़ हैं, इतने अंधभक्त हैं कि ये जो लिख देंगे, ये आठवीं दसवीं पढ़े बाबा शंकराचार्य बन जाएंगे, और जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं उनकी समझ में वो बातें नहीं आती, वो तत्व ज्ञान, वो अध्यात्म नहीं आता, जो हमारे समाज में आईएएस पीसीएस बन चुके हैं उनकी समझ में नहीं आता, या हम लोगों के जो पढ़ लिख के शिक्षित हो चुके हैं हमें समझ में नहीं आता, ये जो चौथी पांचवीं फेल बाबा घर से भागे हुए हैं इनको तत्व ज्ञान और अध्यात्म समझ में आ जाता है। ये बड़ी सोचने वाली बात है, ये केवल एक ही जाति के लोगों को ये अध्यात्म समझ में आता है, बाकी किसी और को नहीं आता। तो साथियों, ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो अंधविश्वास और पाखंड हमारे समाज में कौन फैला रहा है, जब तक हम इस पर चिंतन नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, तब तक हम इस अंधविश्वास और पाखंड से अलग नहीं हो पाएंगे। तो आगे चलते हैं पुस्तक की ओर। वाल्मीकि रामायण टीकाकार गोविंद राज के अनुसार रावण ने कुछ दिन पश्चात एक दिन वेदवती को उसी जंगल में कमल के पत्ते पर कन्या के रूप में बैठे देखा। वह उस कन्या को लंका ले गया। लक्षण जानने वाले मंत्रियों ने कहा, हे रावण, यह कन्या आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। रावण ने उसे समुद्र में बहा दिया, जो किसी व्यक्ति द्वारा जनक के पास पहुंच जाती है। रामकथा अनुच्छेद 419। यहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा जनक के पास पहुंच जाती है, ये कहानी हिडन हो गई, इस कहानी को छिपा लिया गया। इस कहानी के जन्म का तरीका जो है उन तक कैसे पहुँचती है, इसमें छिपाया गया। तो आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 33 के बाद क्षेपक में उपरोक्त कथा लिखी है। रक्तजा सीता, यहां पर छठवां पांचवां प्रकार है ये सीता का। अद्भुत रामायण के अनुसार रावण दिग्विजय के लिए निकला। दंडकारण्य के तपस्वियों ने धन की कमी के कारण कर के रूप में कुछ खून की बूंदे एक पात्र में दी। गुत समद ऋषि के मंत्र के प्रभाव में लक्ष्मी उस पात्र में मौजूद थी। रावण ने लंका में उस पात्र को मंदोदरी की सुरक्षा में रखवा दिया। रावण दूसरी विजय यात्रा में चला गया। मंदोदरी ने उसे पी लिया, वह गर्भवती हो गई, तीर्थ यात्रा को निकली। मंदोदरी ने गर्भ गिराकर भ्रूण मांस का लोथड़ा कुरुक्षेत्र में गाड़ दिया, जो जनक को हल जोतते समय कन्या के रूप में मिला। रामकथा अनुच्छेद 420। अग्निजा सीता, आनंद रामायण के अनुसार पद्माक्ष ने कठोर तपस्या द्वारा लक्ष्मी को पुत्र के रूप में प्राप्त करके उसका नाम पद्मा आंग के में जलकर मर गई कुछ दिन पश्चात उसे अग्निकुंड से निकलती हुई रावण ने देखा। पद्मा पुनः अग्निकुंड में कूद पड़ी। रावण अग्नि बुझाकर पांच रत्न युक्त राख की ढेरी को एक पेटी में लेकर लंका में आया। वहां उसे कोई ना उठा ना सका। खोलने पर कन्या निकली, जो मंदोदरी की सलाह से मिथिला में गाड़ दी गई। ब्राह्मण के शूद्र हलवाहे को पेटी मिली। शूद्र हलवाहे ने वह पेटी अपने मालिक ब्राह्मण को दी। ब्राह्मण ने उसे जनक को दी। उस पेटी में जो कन्या निकली वह सीता है। रामकथा अनुच्छेद 422। फलजा सीता, यानी सीता के एक जन्म नहीं है, सीता के आठ जन्म हैं, और इन आठ जन्मों की कहानी क्या आपको लगता है कि यह सत्य है, क्या यह घटना सत्य होगी? जिसकी जो इच्छा होती है वह अपने अनुसार लिखता चला जाता है, लेकिन मानेंगे किसकी? मानेंगे उसी की जहां पर अंधविश्वास और पाखंड ज्यादा टिकता हो। तो आइए चलते हैं, फलजा सीता कैसे हुई। ब्रह्मचक्र के अनुसार रावण की वाटिका में एक वृक्ष से कन्या उत्पन्न हुई। बाघ के माली ने उसे रावण को दी। रावण को देखकर कन्या ने यक्षिणी का रूप धारण कर लिया। रावण ने उसे घड़ा में बंद करके समुद्र में बहा दिया। घड़ा समुद्र के किनारे वाले कच्चक नामक नगर के पास पहुंचा। एक तपस्वी ने उस नगर के निसंतान राजा को यह भेद बता दिया। राजा ने उस घड़े को निकाला, उसमें से कन्या निकली, वह सीता है। मजाक बना के रखा है इन्होंने हमारे भारत के लोगों को, कि जिस तरह भी
सारी ये कहानियाँ परोसते जाओ, जैसे जिसको जो आती है वो लिख दो। और हमारे यहाँ के लोग भोले भाले जब गोबर को गणेश मान लेते हैं तो ये जो कहानी बताओगे वो मानेंगे, इनका क्या दिमाग है? ये तो इशारों पर चलने वाले हैं, ये तिलक लगा के भले ही वो कक्षा 4, 5 या 2 ही फेल हो और बस उसे संस्कृत का सही से उच्चारण करना भी ना आता हो, लेकिन हो ब्राह्मण, उस श्रेष्ठ जाति में पैदा हो, तो निश्चित तौर पर वो जो श्रेष्ठ जाति में पैदा है वो समाज को आगे बताएगा। वो कहता है ये गोबर का गणेश बना के बोलता है ये गौरी गणेश है, लो इनकी पूजा करो। वो झट से अगला सिर नवा के कहता है प्रभु ये तो हमारे सामने साक्षात प्रभु प्रकट हो गए। तो ऐसे लोग क्यों ना उलझें इनके जालों में कि 8 तरह से सीता पैदा है और 8 तरह से सही है। हमारा समाज हर क्षेत्र में अलग अलग इसकी बातें करता है और अलग अलग तरीके से इसे मानता है, लेकिन एक तरीका कोई स्वीकार नहीं है समाज में। आइए चलते हैं, अब क्या बोलते हैं, दशरथ मजा सीता। बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक खंड 4 के अनुसार राम लक्ष्मण तथा सीता दशरथ की रानी कौशल्या की संतानें हैं। अब यहां पे गौर करिएगा, बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक खंड 4 के अनुसार राम लक्ष्मण अथवा सीधा दशरथ की रानी कौशल्या की संतानें हैं। उस रानी के मर जाने के बाद नई रानी कैकेयी से भरत पुत्र नमक पुत्र पैदा हुआ। राम लक्ष्मण व सीता वनवास में भाई बहन के रूप में रहे। वनवास से लौटने पर राम व सीता का आपस में विवाह हुआ। यह रामकथा अनुच्छेद 51 और 427। यानी अब यहाँ पर दशरथ जातक में दशरथ को वाराणसी का राजा बताया गया है। तो साथियों अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो यहाँ पर हम वीडियो को रोकेंगे और आपसे केवल यही इतना कहेंगे कि 8 तरह के जन्म, गणेश के 5 तरह के जन्म, कार्तिकेय के 3 तरह के जन्म, इसी तरह जो भी पैदा हुए हैं कोई एक तरह से पैदा नहीं हुआ। इनके जन्मों की अनेकों कहानियां हमारे समाज में ला के प्रस्तुत की गई हैं और हमारा समाज जो गोबर को गणेश मान बैठा, जो मल है जानवर का मल है उस मल को ईश्वर समझ बैठा, गणेश समझ बैठा, अपना आराध्य समझ बैठा, तो ऐसे लोग जो मतलब मल को भी आराध्य समझते हैं, ऐसे लोगों को कैसे हम शिक्षा दे सकते हैं, कैसे ज्ञान दे सकते हैं, कैसे उन्हें अंधविश्वास से निकाल सकते हैं? यह केवल एक ही तरीका है कि उन्हें इन ग्रंथों की सत्यता के बारे में उनको बताया जाए, ये एहसास कराया जाए कि आपको कुछ धूर्तों ने बेवकूफ बनाया है, आपके साथ छल किया है, तभी जाकर वह अंधविश्वास और पाखंड से उबर पाएंगे। क्योंकि वह बहुत भोले लोग हैं, बहुत सीधे लोग हैं जिन्होंने कभी किसी के साथ छल प्रपंच नहीं किया और उन्हें इन षड्यंत्रकारियों ने आकर मल तक की पूजा करवा दी। ऐसे षड्यंत्रकारी हमारे देश में निवास करते हैं। तो साथियों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो साथी यहाँ तक देखते हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए कि वीडियो जागो पंच का आ गया है। तो साथियों इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा, नमस्कार, जय जोहार।